गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स व्हाट आर यू डूइंग? सारे बच्चे क्या कर रहे हो? सभी बच्चे अच्छे हैं? सारे बच्चे अपना काम पूरे कर रहे हो ना? जो वीडियोस में आपको काम मिल रहा है वो सारे बच्चे अपना काम पूरा करेंगे और पेंसिल से सारा काम करना है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और धीरे धीरे लिखना है, ओके? तो आज हम जितने भी अ से लगा के अह तक जितने अक्षर हमने सीखे हैं हम उनका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास। तो लिखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे अ से अनार से लगा के अह तक सारे अक्षर का अभ्यास करेंगे, ओके? तो अभी क्या लिखेंगे बच्चों हम? सबसे पहले अ से अनार, अ से अनार। पांच लाइन की कॉपी है आपके पास में, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 लाइन है, 5 लाइन की कॉपी होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे अ से अनार। कैसे लिखेंगे? आपको नंबर फर्स्ट, नंबर एक पे कैसे करना है? ऐसे। फिर नंबर दो, फिर नंबर तीन, फिर नंबर चार और ये नंबर पाँच। ये हो गया बच्चों, ये हो गया। अ से अनार हो गया। वापस अभ्यास कीजिए। एक नंबर, ये नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और ये पाँच। ये एक, ये दो, ये तीन, चार और ये पाँच। ये था हमारा अ से अनार। अब हम क्या लिखेंगे? आ से आम। ये 1, 2, 3, 4, 5। 5 लाइन की कॉपी लाइए, अ से अनार लिखना स्टार्ट कीजिए। एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, चार नंबर, ये पाँच नंबर और ये छः नंबर। ये एक नंबर, ये नंबर टू, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर। ये क्या है हमारा आ से आम? ये क्या है आ से आम? इस प्रकार से हमने क्या लिखा? आ से आम। अब लिखेंगे इससे इमली। पहले कैसे करना है? ये एक नंबर, ये हमारा दो नंबर, ये हो गया इससे इमली। बिल्कुल लीजिए ऐसे कीजिए। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ गांठ लगाइए। ऐसे फिर आपको इस प्रकार से लाना है, इस प्रकार से लाके यहाँ तक लाइए और यहाँ गांठ लगाइए। ये क्या हो गया? इससे इमली। अब लिखेंगे इससे इक। बिरीजिए पहले इमली लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर मात्रा लगाइए। अब इसके ऊपर मात्रा लिखिए, इस प्रकार से लीजिए और इस प्रकार से लाइए। यहाँ पे गांठ, ये हो गया। लिखिए बच्चों इस प्रकार से। ओके, ये हो गई इससे इमली। अब हम लिखेंगे उससे उल्लू। क्या लिखेंगे? उससे उल्लू। एक, दो, तीन, सिंपल है। ये एक, ये दो, ये तीन, बिल्कुल सिंपल है ना? एक, दो, तीन,
इस प्रकार से हमने लिखा। लिखिए, यह है उससे उल्लू। अब हम लिखेंगे उससे ऊन। क्या लिखेंगे? उससे ऊन। ये वन, ये टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री एंड फोर। तो ये हो गया अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उससे उल्लू, उससे ऊन। ओके, लिखिए सारे अक्षर अपनी कॉपी में। ये सारे अक्षर को जो है अक्षर अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। अब हम लिखेंगे ए से एड़ी। क्या लिखेंगे बच्चों? ए से एड़ी। वेरी सिंपल है। सबसे पहले ऐसे लाइन बनाइए। देखो मैं आपको ए से एड़ी लिखना सिखा रहा हूँ। ओके बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे? ए से एड़ी। ए से एड़ी बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा नंबर फर्स्ट, एक नंबर पे आपको ऐसे बनाना है, बनाया। और ये हमारा नंबर दो, ये इसकी ऊपर लाइन, ये हो गई ऐसे एड़ी। ये एक नंबर, ये दो नंबर, तीन नंबर, ये हो गया ऐसे एड़ी। लिखे बच्चों, ये क्या है? ऐसे एड़ी। अब हम लिखेंगे ऐसे ऐनक। क्या लिखेंगे? ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ऐसे, फिर इसके ऊपर मात्रा। सिंपल है। बिल्कुल सिंपल। ये है ऐसे ऐनक। अब लिखेंगे ओ से ओखली। ओ से ओखली। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये हैं ओ से ओखली। ओ से ओखली। लिखिए बच्चों, लिखिए। अब हम लिखेंगे ओ से औजार। औ से औजार। औ से औजार। लिखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और ये सेवन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। मात्रा जो है ना पीछे वाली लाइन पे लगानी है। ये हो गया ओ से औरत भी बोलते हैं, उसे औजार भी होता है और उसे औस्थी भी होती हैं। ओके, अब हम लिखेंगे अंग से अंगूर। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? अंग से अंगूर। कैसे लिखेंगे? पहले अ लिखेंगे और ऊपर बिंदी लगाएंगे। अंग से अंगूर लिखे, ये हो गया अंग से अंगूर। अंग से अंगूर लिखा बच्चों। अब लिखेंगे हम अह। क्या लिखेंगे? अह। अह क्यों बोलते? क्योंकि अह के बाद में दो विसर्ग हैं, इसलिए अह। अह बोलो। अह अह। ये हमारा अह क्या है? अह। ओके, तो इस प्रकार से हमने सारे अक्षर जो हैं इजीली लिखना सीख लिया है। सारे बच्चे सारे अक्षर अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद कीजिए। सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पेंसिल से सारे अक्षर लिखिए।
पेरेंट्स जो है माता पिता अपने बच्चों की कॉपी चेक करें, अगर कोई बड़ा भाई बहन पढ़े लिखे हैं तो वो भी बच्चों की कॉपी चेक करें और उनको व्यवस्थित ढंग से कार्य करने को प्रोत्साहित करें, ताकि उनका जो वीडियोस के थ्रू जो वर्क मिल रहा है वो वर्क उनका कंप्लीट हो जाए और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सके। ओके बच्चों, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कार्य पूरा कीजिए।